हेलो पीपल, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू शो कड़क रिएक्शन। मैं मोहम्मद शावीज और मैं आज अकेला हूँ। मेरे साथ इनायत नहीं है बिकॉज वो काफ़ी बिजी था। और डेफिनेटली एक नया ट्रेलर आउट हुआ है और मैं ज़्यादा वक्त वेस्ट नहीं करना चाहता था। इस फिल्म का नाम है धाकड़, जिसमें है हमारी धाकड़ गर गर्ल 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 धाकड़ गर्ल कंगना रनौत विथ अर्जुन रामपाल एंड दिव्या दत्ता। एंड डेफिनेटली दिस इज अमेजिंग स्टार कास्ट। और काफ़ी वक्त से इसका यू नो बस चल रहा था बिकॉज कंगना रनौत ने ये दावा किया था कि मैं इस तरीके की इंटरनेशनल फिल्म बनाऊंगी, जैसे कि एग्जांपल हमारी रेसिडेंट एविल या फिर लारा क्रॉफ्ट। और डेफिनेटली हम लोग ये देखेंगे और उसके बाद हमें पता चलेगा कि क्या कंगना रनौत अपने शब्दों के मुताबिक हमें एक फिल्म दे पाई या नहीं। लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल रिंग कीजिए फॉर मोर एंटरटेनमेंट एंड फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। इसके डिटेल्स हमने दिए हैं। ड्रैगन फ्लाई, दिस इज रिंग मास्टर। सीगल मीटिंग पॉइंट की तरफ बढ़ रहा है। आई वांट दिस क्लीन एंड क्विक। टाइम फॉर एक्शन। कॉपी दैट रिंग मास्टर। ओवर एंड आउट। क्या बात है? ओ ओके। Get a grip on your agent. This will prove costly. एशिया के सबसे बड़े ह्यूमन ट्रैफिकिंग सिंडिकेट के अगेंस्ट खड़े हैं हम। सेंट्रल इंडिया के कोल माइनिंग बेल्ट से ऑपरेट कर रही है, चलाने वाले हैं हम। जमीन आना Oh, I can hear his voice. हमारे बाप nice. इनका नेटवर्क बढ़ता ही जा रहा है और अच्छे से ऑर्गेनाइज हो रहा है। इस आवाज से कुछ चलने का टाइम आ गया। माइंस पे हमला नहीं बोल सकते। क्या बात है? कंफर्म इंटेलिजेंस। वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए। तुम्हारा हमसे कोई लिंक निकलना नहीं चाहिए। जो कुछ भी करना है तुम्हें अकेले करना है। रिमान कब आया? ताजा गिरी है लखनऊ से। कंगना भाई दो, कंगना रनौत के साथ मैं पॉलिटिकली और इनके जो सोशल मीडिया वो जो बवाल मचाती है उससे मैं चाहे यू नो उनके साथ सपोर्ट में रहूं या ना रहूं, बट एज एन एक्ट्रेस शी इज अमेजिंग। डेफिनेटली शी हैज़ गिवन अमेजिंग फिल्म्स, चाहे वो क्वीन हो, चाहे वो हमारा यू नो तनुविट्स मनु हो, शी हैव गिवन मणिकर्णिका हो, शी हैव गिवन अमेजिंग वर्क। एंड रिसेंटली डेफिनेटली तलाइवी में डेफिनेटली उन्होंने अमेजिंग काम किया था। जब उसका पहला फर्स्ट लुक आया था ऑलमोस्ट एक डेढ़ साल पहले, तब हमारा पुराना चैनल हुआ करता था, जब फर्स्ट लुक आया था तब उसके तलाइवी के फर्स्ट लुक के बाद मैं बहुत ही डिसअपॉइंट हुआ था बिकॉज VFX काफ़ी गड़बड़ था उसमें और मेकअप काफ़ी गड़बड़ था, लेकिन फिल्म में वो एकदम चेंज हो गया। एंड बिकॉज कंगना रनौत यू नो कंगना रनौत और मेकर्स ने जो उसके ऊपर ट्रॉल्स हुए थे उसको उसने ध्यान में रखा और उसे चेंज किया ऑडियंस के हिसाब से। एंड डेफिनेटली कंगना रनौत इज़ गुड इन दैट। एंड डेफिनेटली वी ऑल नो कि कंगना रनौत इज़ द लीडर ऑफ द शिप ऑलवेज। वो उन रीसेंट टाइम में जितनी फिल्में कर रही हैं ऑल फिल्म्स आर लाइक वुमेन ओरिएंटेड, वुमेन लाइक वो किसी
भी मेल हीरो के साथ वो दिखाई नहीं दी है मेली से रिसेंटली. शी वॉज द स्टार ऑफ द फिल्म और यहाँ पर भी शी इज द स्टार ऑफ द फिल्म. बट अर्जुन रामपाल एंड दिव्या दत्ता आर अमेजिंग एक्टर्स. दे आर गोइंग टू यू नो स्टील द शो एंड गिव अ गुड कॉम्पिटिशन टू कंगना रनौत. कमिंग टू द ट्रेलर, डेफिनेटली मैं मार्वल्स की फिल्में और कुछ डीसी की फिल्में और कुछ जानी मानी हॉलीवुड फिल्में को के बिना मैंने उतना हॉलीवुड का स्टफ देखा नहीं. मैं उतना बड़ा हॉलीवुड फैन नहीं रहा हूँ. मैं इंडियन कंटेंट देखकर ही बड़ा हुआ हूँ. हाँ, मार्वल्स की फिल्में चाहे वो या फिर कोई नामदार फिल्में जैसे कि हमारी अवतार हो या फिर यू नो दे आर लॉट ऑफ फिल्म्स ऑफ रैम्बो यू नो दे आर दीज आर द फिल्म्स जो कि डेफिनेटली लोग यहाँ पर देखते हैं. यू नो दे आर फिल्म्स जो कि नेटफ्लिक्स में रिसेंटली आई हैं जॉम्बी फिल्म्स एंड डॉन जॉनसन की फिल्म ऑल दो स्टफ. उसके अलावा मैंने ज़्यादातर देखा नहीं है. या रेसिडेंट एविल के मैंने कुछ क्लिप्स देखे हैं. रेसिडेंट एविल में डेफिनेटली इट्स यू नो अ लेडी फाइटिंग द पीपल एंड द जॉम्बीज. आई थिंक जॉम्बीज टाइप ऑफ फिल्म और फिर टाइप ऑफ आई डोंट हैव एग्जैक्ट आइडिया बट मैंने कुछ क्लिप्स देखे हैं उसके. लारा क्रॉफ्ट जो कि हमारी आई थिंक एंजेलिना जोली थी उसमें या फिर कौन थी, आई एक्सट्रीमली सॉरी आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट एक्ट्रेस नेम. पता है अभी मेरी अब बैड सोचो कि यार कैसा आदमी है हॉलीवुड की फिल्में नहीं देखता. भाई मैं नहीं देख कर बड़ा हुआ हूँ हॉलीवुड की फिल्में. आई हैव जस्ट वॉच्ड मार्वल्स का पूरा यूनिवर्स मैंने वो देखा है. उसके अलावा मैंने कुछ फिल्में देखी हैं. सो वो जो मैंने क्लिप्स देखे हैं उस बेसिस में यू नो जो एक्शन सीन्स दिख रहे थे जो भी यू नो स्पेशली एक सीन है जहाँ पर ऑल ओवर फायर चल रहा है ऑल दो सीन्स वहाँ पर इट वॉज डेफिनेटली लुकिंग कि टक्कर देने वाली है. भाई स्टोरी लाइन डेफिनेटली ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर उठाई गई है जो कि बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में. खासकर बॉलीवुड में ऐसी काफ़ी सारी फिल्में बनी हैं लेकिन कुछ फिल्में हैं जो कि उससे जस्टिस कर पाई और कुछ फिल्में नहीं कर पाई. एक फिल्म थी तलाश आमिर खान की जो कि बहुत ही अमेजिंग थी. ह्यूमन ट्रैफिकिंग और साइकोलॉजी उसके ऊपर थी वो यू नो ऑल दो स्टफ वो मिक्स्ड लेकिन वो फिल्म डेफिनेटली बहुत ही अमेजिंग थी. या एक्शन नहीं था उसमें लेकिन इस फिल्म में उसको हिसाब से एक एक्शन भी रखा गया है. डेफिनेटली इट्स अबाउट अ एजेंट एंड मेनी पीपल इन आवर कंट्री लाइक अ फिल्म्स लाइक एजेंट के एजेंट पे यू नो जो कि रॉ के ऊपर या फिर कुछ एजेंट्स के ऊपर या यू नो स्पाइज एंड ऑल स्टफ वो फिल्में ज़रूर चलती हैं. And definitely Kangana Ranaut has a huge fan following right now in the country and this film is gonna you know give a tough competition for other films but I'm just praying ki ye film bakwas na nikle kyunki bahut sare aise filme aayi hain in the past jo ke you know bahut zyada excitement ke sath aati hain lekin wo phat jati hain phus ho jati hain but I hope this film gonna kill because right now Bollywood need each and every film to you know kill in the box office because Bollywood is bahut piche hai abhi you know year ke hisab se year ke you know turnover ya phir grossing films ke hisab se dekhne gaye to Bollywood always used to rule the market till 2019-2020 to definitely lockdown hua tha lekin wahan par bhi telugu film industry ne kafi competition diya tha but this year telugu film industry have crossed all the limits wo bahut aage chali chuki hai ja chuki hai telugu and sandalwood definitely has a only kgf jo ki sandalwood will come around 1500 to 1600 crores right now in you know all over the year but telugu I think have crossed almost 3500 crores. So definitely Bollywood have to you know buckle up and definitely Bollywood have amazing films coming chahe wo ye ho jaye ya bhul bhulaiya ho jaye. Definitely lal singh chadda hai hamari राम सेतु है अक्षय कुमार की 3-4 फिल्में हैं बट या दिस ईद हैज़ बीन गॉन वेरी बैडली. मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक तरह आदर्श का एक यू नो पोस्ट देखा जहां पर वो कह रहे थे कि जब भी सलमान खान ईद पर आते हैं तो धमाल होता है लेकिन इस ईद की सीन ही अलग है बिकॉज रनवे 34 एंड हीरोपंती दोनों भी यू नो कमाल नहीं कर पा रहे हैं. सो लेट्स होप के बॉलीवुड कम बैक्स. बट कमिंग बैक टू धाकड़ आई लव द ट्रेलर. दिस इज नॉट अ सच टाइप ऑफ अ ट्रेलर जिसके बारे में मैं बोलूँ कि वाह नो बट स्टिल दिस इज अ गुड ट्रेलर एंड आई होप कि ये फिल्म अच्छी हो. सो लेट्स वेट एंड वॉच अंटिल दैट प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल रिंग नोटिफिकेशन बेल ऑल्सो फॉलोज इंस्टाग्राम वी आर
सॉरी सुबह के 9:30 हैं, मैं रात भर से सोया नहीं हूँ, सहरी का टाइम था हमारा, सहरी के बाद में काम था फिनिश करके, आई फाइनली गोइंग टू डू दिस, सो सॉरी फॉर दैट, सॉरी मेरी आंखों के लिए, सॉरी मेरे एक्सप्रेशन के लिए, एंड सॉरी मेरे वर्ड्स के लिए. दिस इज मोहित चावेस सेंडिंग ऑफ.